जागरण जोश, मैं हूं निधि मित्तल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि मंत्रालय में कौन कौन सी नौकरियां निकलती हैं और उनके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है। भारत की ज़्यादातर जनता कृषि पर निर्भर करती है, इसी वजह से कृषि मंत्रालय की अहम भूमिका है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में कई ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज शामिल हैं जो समय समय पर कृषि से जुड़े क्षेत्रों में रिक्रूटमेंट करती रहती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस में एग्रीकल्चर साइंसेस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। तो चलिए बात करते हैं कृषि मंत्रालय में कौन कौन सी सरकारी नौकरियाँ निकलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च एसोसिएट की। रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पीएचडी या फिर एमफिल किया हो और इसके साथ ही आपके पास 3 से 5 साल के बीच का अनुभव होना चाहिए। अब बात करते हैं वेटरनरी डॉक्टर की। वेटरनरी डॉक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BVSC, MVSC किया हो, साथ ही आपके पास 1 से 2 साल के बीच का अनुभव होना चाहिए। सीनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और साथ ही आपके पास 1 से 2 साल के बीच का अनुभव हो। जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो और साथ ही 1 से 2 साल के बीच का एक्सपीरियंस हो। JRF और SRF की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेट है। टीचिंग एसोसिएट की पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास टीचर से संबंधित योग्यता होनी चाहिए। फिजिकल ट्रेनर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी है। यंग प्रोफेशनल्स की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BE, BTech, ME, MTech की डिग्री होना ज़रूरी है। सेक्रेटरी की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री हो और साथ ही आपके पास 10 से 15 साल के बीच का एक्सपीरियंस हो। जहां बात इन पदों पर सिलेक्शन प्रोसेस की आती है, तो सबसे पहले आपको रिटन टेस्ट देना होगा और फिर इंटरव्यू। वहीं रिसर्च बेस्ड पोस्टों के लिए सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू हायरिंग होती है। तो ये थी कुछ अहम जानकारियां जिनके ज़रिए आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में निकलने वाली इंपॉर्टेंट जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी किसी तरह की कंफ्यूजन है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। फॉर लेटेस्ट अपडेट्स यू कैन विजिट टू द गवर्नमेंट सेक्शन ऑफ JagranJosh.com और डाउनलोड द सरकारी नौकरी ऐप।